एल के जी है। क्या नाम है? दीक्षा। क्या नाम है? दीक्षा। दीक्षा क्या पढ़ रही हो अभी? क्या पढ़ाई हो रही बेटू? तुम्हारा क्या नाम है? राधिका कुमार। राधिका नाम है। क्या पढ़ रही बेटा? कौन सा सब्जेक्ट हो रहा है बोलो? इंग्लिश। इंग्लिश पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय टुडे और मैं हूं पंकज भट्ट। इस समय मैं डॉक्टर आर के एकेडमी आर पी सिंह एकेडमी, ये बांक बिशनपुर बोलते हैं इसको, ये बलिया अनुमंडल से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर सुदूर देहात आप जिसको बोलते हैं वो क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में सरकारी विद्यालय की जो स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए कुछ नवयुवकों ने अपने ही गांव में अपने समाज के बच्चों को शिक्षित करने का संकल्प लिया है जो इस विद्यालय के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। लोग यहां के कितने जिम्मेदार हैं वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। किस परिस्थिति में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, क्या स्थिति है और कितना त्याग है शिक्षकों के दिलों में, हम वो एक एक बिंदु पर बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ के विद्यालय प्रधान से बात करते हैं। सर आप बताएं कि सर ये स्कूल का योजना कैसे आपके दिमाग में आया? जी मैं बता दूं कि मैं ग्रामीण परिवेश से निवेश करता हूँ। मैं 2013 में जब पटना आकाश इंस्टीट्यूट से निकला था तो मेरा एक साथी जो कि हल्ला बोल एकेडमी खोला था पटना में सर, तो मैं लगभग 2014 तक पटना में कार्यरत रहा और मुझे लगा कि मैं अपने गांव जाऊं और वहां एक शिक्षण संस्थान खोलूं और मैं अपने समाज के बच्चे का भविष्य उज्जवल करूं। ये उद्देश्य था आपका। आपको लगता है कि आपके यहाँ जो सरकारी विद्यालयों की भरमार है, लगभग हर जगह एक विद्यालय देखने को मिलता है, क्या वहाँ पे बच्चों का पठन पाठन से आप संतुष्ट हैं? जी नहीं। क्यों? वहाँ तो आपसे ज़्यादा वेतन पाने वाले लोग काम को भी करते होंगे। लेकिन मन धन से वहाँ बच्चे को शिक्षित नहीं किया जाता है और वहाँ के जो भी शिक्षक हैं उनमें टैलेंट है लेकिन वो बच्चे के बीच समय नहीं दे पाते हैं और ज़्यादा समय जो है कि व्यर्थ गंवाते हैं। व्यर्थ या MDM में उनका चला जाता है? जी MDM कहिए जो कहिए। मैंने आपको कल भी बताया था कि MDM एक राजनीति है जिससे बच्चों को भोजन दिया जाना एक राजनीति है। ये शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, एक तरीके से बच्चों के गार्जियन माता पिता को खुश रखने यानी एक वोटर को खुश रखने की राजनीति है। बच्चों को नहीं पढ़ाने के लिए शिक्षकों को MDM में इन्वॉल्व किया जाता है ताकि उनके पास समय नहीं बचे, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ लेंगे तो फिर सरकार का झंडा कौन बुलंद करेगा, आवाज़ कौन लगाएगा। मैं अभी विद्यालय के अंदर भी प्रवेश करता हूँ। ये देखिए बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे। ये कौन सा क्लास है बेटा? LKG है। क्या नाम है? दीक्षा। क्या नाम है? दीक्षा। दीक्षा क्या पढ़ रही हो अभी? क्या पढ़ाई हो रही बेटू? तुम्हारा क्या नाम है? राधिका कुमार। राधिका नाम है। क्या पढ़ रही बेटा? कौन सा सब्जेक्ट हो रहा है बोलो? इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ रही हो। अच्छा, एक देखिए बहुत छोटी सी बच्ची है यहाँ पे, ये देखिए क्या नाम है? डॉली। डॉली पढ़ रही हो? जी। रोज आती हो स्कूल? जी। अच्छा, ये मैं यहाँ पे प्ले क्लास है, ये यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको कोशिश की जा रही है कि शहरों में जो प्ले स्कूल होता है उस के तहत अगर कोई शिक्षा व्यवस्था हो सकता है तो जो सीमित संसाधन में स्वयं के व्यक्तिगत संसाधन के द्वारा बगैर ग्रामीणों के सहयोग के जो संसाधन मौजूद हैं यहाँ के विद्यालय परिवार के पास, उस संसाधन में जो बच्चों को दिया जा रहा है। मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा कि मैं अभी बिल्कुल सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हूँ,
क्या नाम है? साहिल। साहिल, अच्छा पापा का क्या नाम है? संजय सा। संजय सा, यहाँ क्या करते हो? यहाँ क्यों आते हो? पढ़ने? अच्छा, तू मुंह में उंगली दे रहा है, देखो क्या नाम है बेटा। बेटा बेटा बेटा, इधर 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 इधर, थोड़ा सा थोड़ा सा। अरे तो मुंह छिपा लिया। चलिए ये देखिए, इतनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, आप देखते जाइए एक तरीके से। यहाँ क्या नाम है? नंदनी। नंदनी, अच्छा पापा का क्या नाम है? संजय सा। संजय सा, आप देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटी बच्चे बच्चियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। मैम आप इधर आएंगे, आपसे बात करनी है। ये कौन सा क्लास है? प्ले क्लास है। आप ये प्ले क्लास है, ये इसमें हाँ। क्या करती हैं आप? पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाती हैं? कैसे पढ़ाया जाता हाँ, मतलब है? प्ले क्लास है तो इसमें कैसे पढ़ाया जाता है? इसमें बच्चे को बेंच पे पढ़ने के लिए, बैठने के लिए सिखाया जाता है, बोलने के लिए सिखाया जाता है, किस तरह इसको बैठना चाहिए, किस तरह पढ़ना चाहिए, किस तरह एक दूसरे से बातें करना चाहिए, ये सारी बातें सिखाते हैं जी हाँ। वो भी खेल खेल में। हाँ खेल का खेल कौन कौन सा, ताकि बच्चे समझ भी पाए कि इसको बोरिंग फीलिंग भी नहीं हो, ताकि ये अच्छे से पढ़ भी पाए। अच्छा क्या नाम है आपका? काजल। काजल, आप किस क्लास तक पढ़ाती हैं यहाँ पे? फोर क्लास तक। फोर क्लास तक की पढ़ाती हैं। क्या मिलता है पेमेंट स्कूल से? जितना मिलता है उतना बताएंगे। 1500 रुपये। आप सोच सकते हैं कि ये 1500 रुपया कोई वेतन नहीं हो सकता, सिर्फ एक समाज को जागरूक करने की नीति और नियति दोनों साफ साफ झलकती है इस विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाओं से। क्या नाम है? क्या नाम है? अंकुशा। अच्छा अंकुश झा। अच्छा पापा का क्या नाम है? लोटा। अच्छा मम्मी का? टमटम। मम्मी का? टमटम। अच्छा शबनम। अच्छा यहाँ क्या करते हो? पढ़ते। वाह बेटा, ये मैं और अंदर क्लासेस हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे शिक्षक भी मौजूद हैं और बच्चे कितनी शांति और अनुशासन में बैठे, आप देख लीजिए बच्चों। कौन सा क्लास है? नर्सरी। नर्सरी, किस स्कूल में पढ़ते हो? स्कूल का क्या नाम है? क्या नाम है? स्कूल का क्या नाम है? डॉक्टर आरपी सिंह एकेडमी। अच्छा ये कहाँ है आरपी सिंह एकेडमी? किस गांव में है? गांव का क्या नाम है? बिशनपुर। बिशनपुर। ये खपरेल मकान आप देख लीजिए आराम से, और इस खपरेल मकान में शिक्षा का अलख, आप सोच नहीं सकते कि इसमें भी विद्यालय हो सकता है। और इस विद्यालय की कैसी पढ़ाई लिखाई है, शायद मैं छोटे बच्चों से भी निकला हूँ, हो सकता है कुछ सीनियर बच्चे भी हों यहाँ पे, मैं देखता हूँ। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? क्या हो रहा है अभी? एक क्लास में तीन तीन बोर्ड हैं, यानी तीन क्लासेस यहाँ चल रहे हैं। अब यहाँ पे कौन से क्लास में हो बेटा तुम? फोर क्लास में। क्या नाम है तुम्हारा? दिव्यांशु कुमार। दिव्यांशु का मतलब क्या होता है? दिव्यांशु का मतलब पता है? क्या नाम है? गुलशन कुमार। गुलशन मतलब? अपने नाम का मतलब नहीं पता, पूछ लेना मैम से। क्या नाम है बेटा? मानकस। बहुत ठंड लग रही है। अच्छा किस क्लास में हो? टू क्लास। टू क्लास में हो, क्या पढ़ रहे हो अभी? कौन सा सब्जेक्ट? अभी कौन सा सब्जेक्ट है? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान, क्या होता है सामाजिक विज्ञान? सामाजिक विज्ञान में क्या सब पढ़ाया जाता है? क्वेश्चन आंसर देते। क्वेश्चन आंसर बना रहे हो, अच्छा। और ये छोटी सी बच्ची, क्या नाम है गुड़िया तुम्हारा? चांदनी कुमारी। चांदनी कुमारी, तुम इतनी छोटी हो, किस क्लास में हो? यूकेजी में। यूकेजी में, इसमें बैठी हुई हो? क्लास टू में दो बच्चा ज्यादा हो गया तो इसको। अच्छा अच्छा, बच्चे ज्यादा होने की वजह से बैठाए गए। और यहाँ पे क्या नाम है बेटा? पल्लव
पल्लवी कुमारी। पल्लवी, क्या पढ़ रही हो? मैथ। किस क्लास में हो? वन क्लास में। वन क्लास में। मैथ का स्पेलिंग बोलो। MATH। पूरा फुल फॉर्म बोलो, मैथमेटिक्स। MATH मैथ। कोई बताएगा मैथमेटिक्स? कौन बताएगा स्कूल में मैथमेटिक्स? कोई बताए मैथमेटिक्स बोलो तो क्या सुन। और कोई बताए मैथमेटिक्स? पता नहीं है? अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग मेहनत कीजिए और मैम से पूछिए, सर से पूछिए कि मैथमेटिक्स होता क्या है, उसकी स्पेलिंग कैसे होगी, और ये सब बेहद ज़रूरी चीज़ है जो सब्जेक्ट की चीज़ होती है। मैं अपने दर्शकों से और साथी जो साथ में जो विद्यालय चलाने वाले जो भी प्रतिष्ठित संस्थान हैं या जो जनरल संस्थान हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि सब्जेक्ट के बारे में बच्चों को विधिवत जानकारी देने की अति आवश्यकता होती है और ये पहला काम होता है। बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानूँगा। मैं ग्राम निवासी विष्णुपुर जी का हूँ जी। नाम बताएं सर? नंद कुमार प्रदा नाम है। इस विद्यालय से क्या आशा है आपको? आशा है हम एक नेक अच्छे विद्यार्थी विकास जी को पाया तो उनको यहाँ संरक्षण दे करके अपने सभी बच्चों को भर्ती किया और पढ़ा। सरकार के सिस्टम से खुश नहीं है? सरकार का जो व्यवस्था आपके यहाँ जो स्कूल वगैरह है उस व्यवस्था से संतुष्ट हैं? अगर सरकार की सिस्टम अगर अच्छा रहती तो फिर ये खोलने की क्या जरूरत। भोजन का कोई महत्व तो नहीं है? भोजन केवल थरिया बजाता है स्कूल में। अच्छा, केवल थरिया बजाता है, खिचड़ी बना करके देता है, उसके बाद सारा गला बच्चा बच्चों को बर्बाद कर रहा है। उसमें कोई सरकार की निगरानी रहेगा तब ना, जो लोग भी स्टाफ है अपना टेबल पर टांग बैठा करके रहते हैं। अच्छा। उसे क्या बच्चों में कोई आगे बढ़ने का आशा है? यहाँ बच्चों को डाल करके संतुष्ट हैं जी। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, पढ़ाई भी अच्छी होती है ना। हम भी अपने पोता पोती सबको भर्ती किए हैं और सब घंघट करके। आप क्या करते थे पहले? हाँ? पहले हम तो मैंने दुकानदारी करते थे। अच्छा। दुकानदारी के बाद सो अभी थोड़ा सत्संग में कभी कभी अटेंड। अच्छा, भगवान में रमे हुए हैं। रमे हुए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये आरपी सिंह एकेडमी ये विद्यालय है और इस विद्यालय की वस्तु स्थिति जो है, यहाँ के ग्रामीण भी हमारे साथ उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि मुझे स्कूल में बच्चों का भोजन नहीं चाहिए, मुझे स्कूल से बच्चों को शिक्षा चाहिए, थाली बजाने के लिए नहीं बल्कि कॉपी कलम लेकर के बच्चों को हम भेजते हैं शिक्षा अर्जन करने हेतु। टांग पे टांग पसारे बैठे शिक्षकों से शिक्षा का कोई आस नहीं दिखता ग्रामीणों को। विकास जी इस क्षेत्र के विकास पुरुष के रूप में दिखाई दे रहे हैं। सर, आपको बहुत सम्मान मिल रहा है ग्रामीणों से, आपको कैसा लगता है ये सम्मान? पैसे तो आपके पास नहीं है। ये सम्मान मेरे लिए काफ़ी सौभाग्य का बात है कि मुझे ये सम्मान मिल रहा है। मैं सोचता हूँ कि मेरे तमाम बच्चे और हमारे सहयोगी कर्मी इन बच्चों को अच्छी शिक्षा दें ताकि इन बच्चों का भविष्य काफ़ी उज्जवल हो जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।